नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे घर बनवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि बिना डाउन स्लैब का, डाउन स्लैब बनाते हैं बाथरूम के पास, ठीक है, जहां पे आपको बाथरूम बनवाना है वहां पे डाउन स्लैब बनाया जाता है। डाउन स्लैब से फायदा ये होता है दोस्तों कि आपका जो बाथरूम होता है वो नॉर्मली जो ये छत है ना उससे थोड़ा सा डाउन में रहता है, नीचे में रहता है। इससे फायदा ये होता है कि यहाँ घर का जो साफ सफाई वाला पानी है वो डायरेक्टली आप जो है वो बाथरूम में डाल सकते हैं। लेकिन अगर डाउन स्लैब नहीं डलवाते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको किस तरीके से जो है वो आपको जो है वो आप अपना जब भी सीट लगवाएंगे इंडियन स्टाइल के तो लगभग 1 फीट का ऊंचाई आपको जो है वो नॉर्मल फर्श से ऊपर चढ़ करके दोस्तों इस वाले सीट को इस्तेमाल करने जाना होगा टॉयलेट को, ठीक है। बूढ़े बुजुर्ग के लिए खासा ये दिक्कत का कारण बनता है। तो अभी दोस्तों ऑप्शन है आपके लिए कि इस चीज़ को मिनिमाइज किया जा सकता है अगर डाउन स्लैब आपने नहीं बनवाया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वेस्टर्न स्टाइल के जो टॉयलेट सीट आते हैं उनको लगाने में दोस्तों कितना ज़्यादा हमें जो है वो ऊँचाई लेनी पड़ेगी। दोस्तों अगर मैं अपना सजेशन दूं तो डाउन स्लैब तो आपको जो है वो छत में बनवा ही लेना चाहिए ताकि जब भी आप बाथरूम बनवाएं तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया जा रहा है। अटैच बाथरूम में जनरली जो है वो वेस्टर्न स्टाइल सीट ही लगाए जाते हैं, कमोड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको इस्तेमाल करने के बाद में उसमें ढक्कन वगैरह रखने का सिस्टम होता है तो उस चीज़ के लिए काफ़ी सही होता है ताकि आपका जो ये रूम है यहाँ काफ़ी सही वातावरण बना रहे। दोस्तों बात कर लेते हैं फिर भी वेस्टर्न स्टाइल अगर सीट लगाते हैं फिर भी उसमें आपको नॉर्मली जो ये आपका फर्श का लेवल है उससे तो ऊंचा आपको जाना ही पड़ेगा। मजबूरी ये है दोस्तों कि आप जो है वो इस वाले पाइप फिटिंग को लगाने के लिए, ये नहाने का पोर्शन है, आगे चल के मैं दिखाऊंगा कमोड वगैरह फिटिंग का किस तरीके से जो है वो प्रबंध किया जा रहा है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे कि पाइप फिटिंग के लिए तो आपको छत के ऊपर ही लगाना है पाइप को, ठीक है। तो ये कम से कम 5 इंच तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको जो है वो नहाने वाला भी कम से कम 5 इंच ऊपर होने वाला है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कमोड सिस्टम, जैसे कि इंडियन स्टाइल में हमें दोस्तों 1 फीट ऊपर जाना पड़ता था, ठीक है, टॉयलेट सीट को एक्सेस करने के लिए। लेकिन कमोड वाले में एक फायदा है दोस्तों कि बिल्कुल जो है वो 5 इंच का हाइट पे ही, चूंकि इसके ऊपर दोस्तों डायरेक्ट जो है कमोड ला करके फिट किया जा सकता है। तो एक चीज साफ हो गई दोस्तों कि इंडियन स्टाइल वाले सीट लगाने से कम जगह में आप दोस्तों वेस्टर्न स्टाइल वाला सीट लगाएंगे तो हाइट आपको कम जानी पड़ेगी, जिससे दोस्तों आपको चढ़ने या उतरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये अपना च्वाइस हो सकता है कि आप इंडियन लगाते हैं या फिर वेस्टर्न सीट लगाते हैं, ये आपका पर्सनल च्वाइस बिल्कुल जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर आपने डाउन स्लैब नहीं दिया हुआ है दोस्तों तो ये इंडियन से बिल्कुल जो है वो कम जगह लेता है, ठीक है। 5 इंच की हाइट में दोस्तों आप देखेंगे जितना पाइप फिटिंग्स ले रहा है उतना ही जगह में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो है वो पूरा का पूरा इसमें बेंड दूसरा अलग से नहीं लगता है, ठीक है। ये जो बेंड लगाते हैं ना इंडियन स्टाइल में इस तरीके से उठा हुआ रहता है, वो बेंड इसमें नहीं लगता है, नॉर्मल पाइप लगता है। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे कि ये ज़्यादा हाइट नहीं ले लेता है और आप देखेंगे कि नॉर्मली जो घर का फर्श है दोस्तों उससे लगभग 5 से 6 इंच की ऊंचाई पे ही आपको दोस्तों बाथरूम पूरा का पूरा जो है वो मिल जाने वाला है। तो फाइनली निष्कर्ष तो यही निकलता है दोस्तों कि आपको घर में छत पे डाउन स्लैब बनवा ही लेना है ताकि ये जो डाउन स्लैब बनाने से फायदा ये होगा दोस्तों कि जो बाथरूम है ना वो नॉर्मल जो घर है बाकी पार्ट है उससे नीचे में रहेगा। साफ सफाई करेंगे घर की तो सारा पानी जो है बाथरूम में आसानी से डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है और ये फायदा होता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से मैं आपका मदद बिल्कुल जो है वो अपने चैनल की मदद से करता रहूँगा। आप भी हमारी मदद कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।